So students, this is lecture 72, class 12, unit 7. तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सोल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि सॉलिड्स की लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर सोल्युबिलिटी कितनी होती है और कैसे होती है, कि कैसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है और कैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनते हैं, कैसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनते हैं, और तीन टाइप्स के हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और गैसीय सॉल्यूशन. सॉलिड सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्वेंट सॉलिड होता है, लिक्विड सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्वेंट लिक्विड होता है, और गैसीय सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्वेंट गैसेस होती हैं. तो हम इस चैप्टर में भी सीखते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर सॉलिड्स की, लिक्विड्स की और गैसेस की सॉल्युबिलिटी कैसे है. तो हमने क्या किया था, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ लिया था लिक्विड सॉलिड्स की, लिक्विड के अंदर. तो अब हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो क्या करते हैं, उनको एनहेंस करते हैं सॉल्युबिलिटी को, सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी. तो सबसे पहले क्या आता है, नेचर ऑफ सॉल्युटेड सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या, जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है या फिर जिसके अंदर हम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, और सॉल्यूट क्या है, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है और जिसको हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं. तो उनका नेचर कैसा होना चाहिए, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, कि इस थ्योरी पे डिपेंड करता है कि लाइट डिसोल्व्स लाइट, कि कैसे, कि आयनिक और जो पोलर सॉल्यूट्स हैं वो किसमें ज्यादा डिसोल्व होंगे, जो आयनिक और पोलर सॉल्वेंट होंगे. जैसे कि जो NaCl है वो H2O में क्या होगा, जल्दी से क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा. क्यों, क्योंकि आयनिक वो है सॉलिड है और ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है. लेकिन जो नॉन पोलर होंगे तो ये दोनों क्या होंगे, लाइट हो गए, तो लाइट डिसोल्व लाइट. ऐसे ही नॉन पोलर सॉल्यूट क्या होंगे, वो जल्दी से डिसोल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर. नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से, जैसे कि बेंजीन, CH2, ये सब. तो एक्सेप्शन क्या है, कि जब क्या हो, कि जो पोलर आपको सॉल्यूट दे रखा हो और क्या हो जाए, वो नॉन पोलर में डिसोल्व हो जाए, या फिर नॉन पोलर सॉल्यूट क्या हो, पोलर उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व हो जाए. जैसे कि शुगर एक नॉन पोलर क्या है, मॉलिक्यूल है, और ये किसमें डिसोल्व हो रहा है, एक पोलर सॉल्वेंट के अंदर. H2O क्या है, पोलर सॉल्वेंट है. तो ये किस वजह से होता है ऐसा, कि एक नॉन पोलर, जबकि हमने तो पढ़ा है कि लाइट डिसोल्व लाइट, तो एक नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में कैसे डिसोल्व हो रहा है, ये किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है इनके बीच में, और इस वजह से क्या होता है, जो एक नॉन पोलर सॉल्यूट है वो एक पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व हो जाता है. तो अब हम डिसोल्यूशन की बात करेंगे सॉल्ट की, किसके अंदर, H2O के अंदर. तो NaCl क्या है आपका, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है H2O. तो किस वजह से होती है ये, NaCl क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका मतलब आयनिक है नेचर के अंदर, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस है. तो इस वजह से ये किस वजह से होगा, आयन पोलर इंट्रैक्शन की वजह से. H2O एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये क्या है, आयनिक सॉलिड है, तो इस वजह से आयंस और पोलर्स की क्या होगी, इंट्रैक्शन होगी, और क्या बनेगा, हमारा जो NaCl है वो इसके अंदर डिसोल्व हो जाएगा. डिसोल्यूशन क्या है, कि NaCl वाटर के अंदर कितना डिसोल्व हो रहा है, उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन. तो होता क्या है, बेसिकली Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस के अंदर ब्रेक हो जाता है NaCl, जब क्या होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन में होता है, मतलब वाटर के अंदर जब हम NaCl को डालते हैं तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है. तो जो Na पॉजिटिव है उसे क्या सराउंड करेगा, जो H2O कैसे बना है, HO और O. H क्या है, पॉजिटिव, H पे स्लाइटली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पे. ये ऐसे क्या है, ये पोलर सॉल्वेंट है, इस तरीके से ऐसे पोलर्स बनते हैं, इसके अंदर डाइपोल्स बनते हैं. तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है. तो Na पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, Na पॉजिटिव के अंदर ब्रेक हुआ है. कैसे, क्यों ब्रेक हुआ, कि जो O नेगेटिव आयंस थे उन्होंने, H2O के जो O नेगेटिव आयंस है उन्होंने Na को क्या कर दिया, सराउंड कर दिया. और जो Cl नेगेटिव कैसे बना, जो H पॉजिटिव आयंस थे उन्होंने किसको सराउंड कर लिया, Cl नेगेटिव को सराउंड कर लिया. तो वॉटर के अंदर जो H पॉजिटिव थे उन्होंने किसको
डिसोल्यूशन होता है वाटर के अंदर, क्यों? क्योंकि NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में ब्रेक हो गया और दोबारा वो NaCl में कन्वर्ट ना हो, इसलिए जो O नेगेटिव है वो H2O के वो सराउंड करेंगे Na पॉजिटिव को और H पॉजिटिव करेगा Cl नेगेटिव। तो ये बॉन्ड ब्रेक कैसे हो रहे हैं? जैसे सोल्यूट सोल्यूट बॉन्ड की जो ब्रेकिंग हो रही है, तो होता क्या है उसके अंदर? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। वो सोल्यूट क्या था हमारा? NaCl है, तो इसका मतलब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर वो ब्रेक हुआ। तो उसे ब्रेक करने के लिए आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, तो फिर भी वो ब्रेक हुए, तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो हमें अपनी तरफ से एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी रिक्वायर, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ताकि वो बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो इसलिए क्या होगा? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? हमारी ग्रेटर देन जीरो होगी। एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी की क्या है? रिक्वायरमेंट है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो और मतलब एनर्जी की क्या हो? रिक्वायरमेंट हो, तो क्या होता है? जो एंथैल्पी है वो पॉजिटिव हो जाती है, मतलब एंथैल्पी क्या है? ग्रेटर देन जीरो हो जाए। ऐसे ही जब ब्रेक हो रहा है सोलवेंट, सोलवेंट कैसे? यहाँ पे क्या हुआ है? आयनिक बॉन्ड ब्रेक हुआ है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो सोलवेंट सोलवेंट, जो सोलवेंट क्या है हमारा यहाँ पे? H2O है। तो इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? तो जो ये सोलवेंट सोलवेंट के अंदर क्या है? हाइड्रोजन, जैसे H2O के काफी सारे मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं वॉटर के अंदर, तो उनके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसे ही तो इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब ब्रेक होगी तो ये भी क्या होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी और डेल्टा H क्या होगी हमारी? पॉजिटिव होगी। तो जब सोलवेंट सोलवेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, जब सोल्यूट सोल्यूट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन पर बॉन्ड हो रही है, और क्या हो रहा है? डेल्टा H बोथ के लिए क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या हुए? H पॉजिटिव O नेगेटिव आयन बने, यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बने, मतलब सोल्यूट सोल्यूट की बॉन्ड ब्रेकिंग हुई और सोलवेंट सोलवेंट की बॉन्ड ब्रेकिंग हुई। तो क्या हो रहा है? सोल्यूट और सोलवेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्यों? जब तो सोल्यूट और सोलवेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो ये क्या बनाएंगे? अपना एक प्रोडक्ट बनाएंगे कि Na को सराउंड किया H ने, सॉरी O ने और Cl को सराउंड किया H ने। तो इस वजह से मेकिंग क्या हो रही है? सोल्यूट और सोलवेंट। कोई भी बॉन्ड मेक होता है तो इस तरह की प्रोसेस के अंदर क्या होती है? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और जब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी रिलीज होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जब एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, तो या फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारी क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपने क्लास प्लस वन में भी पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल्टा H क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो यहाँ से क्या पता चला कि जब सोलवेंट सोल्यूट और सोलवेंट की इंटरेक्शन हो रही है इस केस के अंदर, तो क्या हो रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म हो रही है और डेल्टा H क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। ऐसे के बहुत सारे क्या है आपके पास? बहुत सारे सोलवेंट्स दिए हुए हैं, बहुत सारे क्या है? सोल्यूट है। अगर क्या कि उनकी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूबिलिटी होती है, जिसे हम सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम लिखते हैं KSP। तो किसी का भी, जैसे MgSO4 का सोल्युबिलिटी BSP क्या है? ग्रेटर देन होता है BASO4 से। तो इससे क्या मतलब है कि जो MgSO4 है उसकी क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है और BASO4 की हाइड्रेशन एनर्जी कम है। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है कि क्या हो जब आपकी सोल्यूट और सोलवेंट की क्या हो? फॉर्मेशन हो। जैसे वाटर के साथ हमने क्या लिया है? इनका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिया है कि MgSO4 को वाटर के अंदर मिक्स किया, BASO4 को वाटर के अंदर मिक्स किया, तो जो जो क्या होगी एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? जो एनर्जी रिलीज होगी MgSO4 और वाटर के बॉन्ड बनने के अंदर, वो क्या होगी? हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगा और वो वाटर के अंदर हाई अमाउंट में डिजोल्व होगा और इजी से डिजोल्व होगा। लेकिन फिर आती है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है? कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सोल्यूट बॉन्ड्स, कि इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी क्या है हमें रिक्वायरमेंट है। तो लैटिस एनर्जी क्या होगी अगर किसी की ज्यादा होगी, कि जैसे MgSO4 का बॉन्ड अगर
क्या है मोटर के अंदर कम है कि हमें हाई एनर्जी देनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक ही नहीं होगा और जो जो सब्सटेंस जितनी जल्दी क्या होगा ब्रेक होगा वो उतनी ही जल्दी सोल्यूबल होगा, आयंस बनाएगा तो मोटर के अंदर जल्दी से सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस की लैटिस एनर्जी कम है तो इसका मतलब क्या है कि वो जल्दी से ब्रेक हो रहा है, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और इसका मतलब क्या है वो जल्दी से क्या हो जाएगा डिसॉल्व हो जाएगा। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो क्या होगी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा है किसी कंपाउंड की तो क्या होगी उसकी सोल्युबिलिटी वाटर के अंदर कम होगी। अगर लैटिस एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी अगर क्या है ग्रेटर है तो सोल्युबिलिटी क्या होगी लेस होगी, लेकिन अगर हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर है तो सोल्युबिलिटी क्या होगी हाई होगी। तो इसलिए MgSO4 की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है और लैटिस एनर्जी कम है, दैट इज वाई MgSO4 है जो वाटर के अंदर क्या है बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है और इसका क्या है KSP ज्यादा है बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि अब हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूट हमारा गैस है और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है, तो ये किस पे डिपेंड करती है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट पे डिपेंड करती है कि गैसेस लिक्विड के अंदर कितना एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसके भी कुछ क्या है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्या कैसे होना चाहिए, क्या कैसा टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, कैसा प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा सोल्युबिलिटी पे, कैसा गैसेस का नेचर होना चाहिए, कैसा लिक्विड का नेचर होना चाहिए। तो सबसे पहले है नेचर ऑफ गैसेस एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, हमारा लिक्विड है। तो अगर क्या हो आपके पास NH3 S2O इस टाइप की गैसेस हो, ये क्या है पोलर गैसेस हैं, तो ये क्या करेंगी इजीली डिसॉल्व हो जाएंगी वाटर के अंदर क्योंकि वाटर भी क्या है पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन जैसे H2O O2 N2 ये सब गैसेस हैं, ये नॉन पोलर गैसेस हैं, तो ये क्या होगी वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी बट ये किसके अंदर डिसॉल्व होगी इजिली आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे कि CH2 बेंजीन, ये सब क्या है आपके नॉन पोलर क्या है सॉल्वेंट्स हैं। उसके बाद प्रेशर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का गैसेस की सोल्युबिलिटी पे लिक्विड के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर टेम्परेचर को आप हाई कर देते हो तो क्या होता है सोल्युबिलिटी गैसेस की क्या हो जाती है कम हो जाती है। कैसे भी कर लो, जैसे कि ये लिक्विड है कोई भी, इसके अंदर आपने क्या कर रखा है कोई गैस डाली हुई है, तो जैसे कि आप इसको बॉइल करना शुरू करोगे तो क्या होगी जो गैसेस इसके अंदर डिसॉल्व हो रखी थी वो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगी लिक्विड से ऊपर चली जाएंगी, मतलब उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी लिक्विड के अंदर कम हो जाएगी। तो इस वजह से क्या है अगर टेम्परेचर आप हाई कर रहे हो तो सोल्युबिलिटी गैसेस की कम हो जाती है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये क्या है यहाँ से हेनरी लॉ से क्या है रिलेट करता है कि प्रेशर का लेवल क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कैसे इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का, ऐसे कि क्या किया आपने, ये एक लिक्विड है इसके अंदर क्या किया हुआ है एक गैस डिसोल्व की हुई है, तो जब आपने क्या किया सिंपली क्या है गैसेस के आपको यहाँ पे कम पार्टिकल्स दिख रहे हैं लिक्विड के सरफेस के ऊपर जब आपने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया हुआ है, लेकिन जब आपने क्या किया एक हाई प्रेशर अप्लाई किया और गैस को क्या करने की कोशिश की कंप्रेस करने की कोशिश की, ये पिस्टन लगा हुआ है, तो जैसे ही आपने क्या किया गैस को कंप्रेस किया तो उसकी पार्टिकल्स की कंसेंट्रेशन लिक्विड के सरफेस में बढ़ गई। लिक्विड के सरफेस में बढ़ने से क्या हुआ कि उसकी लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। कि क्या है, एक तो सिंपल इतना लिक्विड है उसके अंदर गैस डिसॉल्व है, लेकिन जैसे ही आपने उसको क्या किया कंप्रेस किया तो गैसेस की कंसेंट्रेशन उस लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी लिक्विड के सरफेस में हाई हो जाएगी और क्या होगा जैसे कि हाई टेम्परेचर से लो सोल्युबिलिटी होती है तो हाई प्रेशर से क्या हो जाएगी हाई सोल्युबिलिटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप क्या हो रहा है गैसेस की कंसेंट्रेशन लिक्विड के सरफेस पे इंक्रीज हो रही है, इस वजह से क्या होगा सरफेस पे क्या होगी जो गैसेस की कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी और सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर गैसेस की हाई हो जाएगी। तो यहाँ से लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ क्या है उसके अकॉर्डिंग, कि अकॉर्डिंग टू दिस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। तो यहाँ से एक टर्म आती है पार्शियल प्रेशर, ये क्या होता है, तो ये डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से क्या है डिस्कवर हुआ है, डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से क्या
पार्शियल प्रेशर है वो क्या होता है, हर एक गैस का अपना अलग अलग होता है। जैसे कि ये क्या है, ऑक्सीजन गैस ली हमने, यहाँ क्या ली, नाइट्रोजन गैस ली कंटेनर के अंदर, और जब इन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। ठीक, तो जब क्या है कंटेनर के अंदर क्या हुआ, आपके पास बहुत सारी गैसेज, दो या दो से ज्यादा गैसेज, तो वो अपना अपना अलग क्या करती है, एक प्रेशर एग्जर्ट करती है उस कंटेनर के ऊपर। तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। कि गैसें जो इंडिविजुअली जो प्रेशर क्या है उसके ऊपर लगा लिए कंटेनर के ऊपर, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। अगर एक कंटेनर के अंदर क्या है, दो या दो से ज्यादा गैसेज है, तो वो इंडिविजुअली अपना कितना कितना प्रेशर लगा रही है, वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, हेनरी ने तो क्या बताया, तो कि जो गैसेस का मास है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो गैसेस का मास है वो डिपेंड कर रहा है प्रेशर के ऊपर। लेकिन फिर डॉल्टन ने क्या बताया, उसी का फ्रेंड था डॉल्टन, उसने क्या बताया कि जो गैसेस जो पार्शियल प्रेशर है वो किसका क्या है, सोल्युबिलिटी का क्या है, एक फंक्शन है, जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है वो फंक्शन है पार्शियल प्रेशर का। तो इस वजह से क्या हुआ, हेनरी ने क्या बताया था, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस किस पे डिपेंड, मास ऑफ गैसेस पे डिपेंड कर रही है, लेकिन इसने क्या बताया, सोल्युबिलिटी का फंक्शन है पार्शियल प्रेशर। तो इस वजह से यहाँ से क्या डिस्कवर हुआ कि जो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अगर हम कॉन्स्टेंट कर दें टेम्परेचर को, तो जो गैसेस की सोल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगी गैस के, जो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ पे गैसेस के मास को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लेंगे, तो इसलिए जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हुआ आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। मोल फ्रैक्शन को हमने एफ से डिनोट किया है, तो पार्शियल प्रेशर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, तो पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल आ गया, के एच एक्स के। के एच एक कॉन्स्टेंट है जो है हेनरी कॉन्स्टेंट। तो क्या है, जो मोल फ्रैक्शन और प्रेशर है वो क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। तो अब यहाँ से क्या है, हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे और डिफरेंट डिफरेंट हेनरी कॉन्स्टेंट में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की सोल्युबिलिटी चेक की। तो क्या होता है, अगर टेम्परेचर हाई है, तो अगर आप सेम गैस लेते हो, एक को लिया आपने 293 केल्विन पे, एक को लिया 393 केल्विन पे, तो जो 293 केल्विन पे होगी गैस वो क्या होगी, हाईली सोल्यूबल होगी, लेकिन जो 393 पे होगी वो लेस सोल्यूबल होगी। क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि क्या होता है आपका, लो सोल्यूबिलिटी हो जाती है गैस की। ऐसे ही KHS जो आपका हेनरी कॉन्स्टेंट है, अगर वो हाई होगा तो भी क्या होगी, आपकी सोल्यूबिलिटी लेस हो जाएगी। हाई KH होने का मतलब क्या है, सोल्यूबिलिटी लेस है, और हाई टेम्परेचर होने का मतलब भी क्या है, सोल्यूबिलिटी लेस है। इसलिए क्या है, जो हेनरी कॉन्स्टेंट है अगर वो किसी गैस का कम है, तो इसका मतलब उसकी सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या था, कि जो पार्शियल प्रेशर है वो किसका है फंक्शन, जो पार्शियल प्रेशर है इज द फंक्शन ऑफ गैस, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, और वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन की। तो यहाँ से आया पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच एक्स। के एच क्या है आपका, हेनरीज कॉन्स्टेंट है। तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन है वो एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जैसे कि हम क्या करते हैं, प्रेशर को गैसेस के ऊपर एग्जर्ट करते हैं, जो लिक्विड के अंदर है गैसेस उनके ऊपर, तो क्या होता है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हाई प्रेशर मीन्स हाई सोल्युबिलिटी, नो डाउट। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन हेनरीज लॉ की। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, तो इंक्रीज सोल्युबिलिटी ऑफ CO2, बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स आर सी अंडर हाई प्रेशर। की जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती है उनके अंदर CO2 गैस होती है, तो उसको क्या करते हैं, हम हाई प्रेशर के अंदर सील करते हैं, ताकि क्या हो, जो CO2 की सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए उसके अंदर, और वो कोल्ड ड्रिंक्स है जो क्या रहे, प्रिजर्व रह सके लंबे टाइम तक। लेकिन जब क्या करते हैं हम, जब हम उस बॉटल को खोलते हैं, तो एकदम से क्या होता है, जो हाई प्रेशर था वो एकदम से खत्म हो जाता है, और इस वजह से वो एकदम से क्या होती है, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक
हमारे पास आवाज आती है और वो क्या है, गैस CO2 बाहर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि जो उसकी सोल्युबिलिटी थी वो सिर्फ हाई प्रेशर की वजह से थी। जैसे ही वो प्रेशर क्या हुआ हटा, तो वो एकदम से क्या हुई, उससे बाहर निकल गई लिक्विड से। और फिर की साउंड के साथ क्या होती है, फिर की साउंड के साथ वो क्या हो जाती है, आउट हो जाती है हमारी बॉटल से। तो अब सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, ऑक्सीजन यूज बाय द डीप सी डाइवर्स इज डाइल्यूटेड विद हीलियम टू रिड्यूस द पेनफुल इफेक्ट ड्यूरिंग डीकंप्रेशन। होता क्या है, जब हम स्कूबा ड्राइविंग करते हैं, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड डीप सी के अंदर क्या जाते हैं जब सी ड्राइवर्स, तो क्या होता है इससे, वो साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है, नीचे क्या है, ज्यादा जैसे ही हम वाटर के अंदर ज्यादा डीप जाएंगे तो क्या होगा, हाई प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की जो है सोल्युबिलिटी वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, हम जैसे जैसे डीप सी के अंदर जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होगा, इस वजह से जो ऑक्सीजन की है सोल्युबिलिटी वो इंक्रीज हो जाएगी। और ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होती है, नाइट्रोजन भी होती है। तो जो ऑक्सीजन है वो तो हमारे अदर फंक्शंस के अंदर यूज हो जाएगी हमारी बॉडी में, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो क्या होगी, पूरी तरह से हमारे ब्लड में डिजोल्व हो जाएगी बॉडी के अंदर। तो इससे क्या होगा, जब सी डाइवर्स ऊपर आते हैं तो क्या हो जाता है, जो डिजोल्व नाइट्रोजन थी वो क्या होगी, एकदम से क्या होगी, एक्सपेंड आउट होने की कोशिश करेगी। और इस वजह से क्या बन जाते हैं, बैंड्स बन जाते हैं बॉडी के अंदर, इस टाइप से क्या है, बबल्स बन जाते हैं। और वो क्या करते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं, इस वजह से इवन लाइफ क्या है, हमारी लाइफ हमारी क्या है, जान भी ले सकते हैं वो, इतने डेंजरस हो जाते हैं वो। तो इस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन के साथ हीलियम को भी क्या करते हैं, उसके अंदर डाइल्यूट कर देते हैं गैस सिलेंडर्स के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। इसका अमाउंट कम रखते हैं हीलियम का, 11.7 के आस समथिंग होता है, 11.7% के समथिंग। तो हीलियम को क्यों रखते हैं, क्योंकि क्या होती है, लेस सोल्यूबल होती है अंडर हाई प्रेशर भी। तो इस वजह से क्या होगा, ये लेस सोल्यूबल होगी बॉडी में, तो इस वजह से जब वो ऊपर आएंगे तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे, और जो पेनफुल इफेक्ट जो हो रहे थे, बैंड्स बन रहे थे, इनकी फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि वो पहले ही जैसे स्कूबा डाइविंग में डीप सी में जाएंगे तो उस टाइम भी उनकी सोल्युबिलिटी कम होगी बॉडी के अंदर। तो इस वजह से क्या होगा कि जब हम ऊपर आएंगे तो हमें इतना ज्यादा इफेक्ट महसूस नहीं होगा जो पेनफुल इफेक्ट हो रहे थे उनका। तो जैसे जो डीकम्प्रेशन हो रही है उससे जो पेनफुल इफेक्ट है वो फील नहीं होंगे। तो इस वजह से क्या है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है वो डाइल्यूट किए जाते हैं हीलियम के साथ। अब क्या है, क्लाइंबर्स और हाई एल्टीट्यूड्स हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स। जब हम हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं कि आप क्या करो, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाओ, क्योंकि जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड्स में जाएंगे तो क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। तो जैसे जैसे प्रेशर कम होगा ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे बॉडी टिश्यूज होते हैं, ब्लड सेल्स होती हैं हमारी, उसके अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर कम होगा बॉडी के अंदर उसकी सोल्युबिलिटी कम होती जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। उस वजह से क्या होता है, एनोक्सिया हो जाता है, मतलब हम अच्छे से सोच नहीं पाते, अच्छे से सांस नहीं ले पाते। तो इस वजह से क्या है कि क्लाइंबर्स को क्या बोलते हैं कि वो साथ में क्या करें, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाएं। तो ये सब क्या है, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है कि अंडर हाई प्रेशर क्या है गैसेस सोल्यूबल रहते हैं, और अंडर लो प्रेशर क्या है गैसेस लिक्विड्स के अंदर सोल्यूबल नहीं हो पाती है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे गैसेस की सोल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो फिर लिमिटेशंस भी है हेनरी लॉ की, तो वो लिमिटेशंस क्या है कि क्या होनी चाहिए, ये सिर्फ सबसे पहले तो क्या है, ओनली गैसेस के एप्लीकेबल है, ये ओनली गैसेस के एप्लीकेबल है, और सॉलिड्स वगैरह पे एप्लीकेबल नहीं है, लिक्विड सॉलिड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट लिमिटेशन ये है इसकी। सेकंड लिमिटेशन क्या है इसकी कि जो गैसेस है वो डिसोसिएट नहीं होनी चाहिए लिक्विड के अंदर, बट क्या हो जाती है गैसेस लिक्विड के अंदर डिसोसिएट हो जाती है, वो लिक्विड के साथ रिएक्ट कर देती है। कैसे, जैसे आपकी HCl है, HCl गैस है, जब वो लिक्विड के अंदर जाएगी वाटर के साथ तो H+ CL- हो जाएगी।
एप्लीकेबल है आइडियल कंडीशंस के ऊपर और किसी कंडीशन नॉन आइडियल कंडीशंस में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस कि गैसेस पे एप्लीकेबल है, सिर्फ गैसेस को डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी HCl NH3 जैसी गैसेस डिसोसिएट्स हो जाती है लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर स्पेशली। और जो आइडियल कंडीशन पे ये क्या है, सिर्फ अप्लाई हो सकता है, नॉन आइडियल कंडीशन पे ये एप्लीकेबल नहीं है।